मशहूर गायिका लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रिटिश कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। तबियत बिगड़ने के बाद 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनकर उनके चाहने वाले शोक जताने के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें, 92 वर्षीय गायिका ने कई भाषाओं में 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों में गाने रिकॉर्ड किए हैं। 28 नवंबर 1921 में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। उन्हें भारतीय सिनेमा में अहम योगदान देने के लिए पद्मभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार समेत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है। बता दी कि बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने गायिका की शुरुआत कर दी थी। लता मंगेशकर देश की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक थी। उन्होंने न सिर्फ जादुई कला से सभी को अपना कायल बनाया बल्कि अपने अद्भुत व्यक्तित्व से भी सबकी पसंदीदा रही हैं। पिछले कई दिनों से कोरोना जैसी बीमारी से जूझते हुए लता दीदी के लिए पूरा देश दुआ